नमस्ते नमस्कार आदाब जय हिंद भारत माता की जय। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। मैं गुरु रामान अदम मैं अति गुरुकुल से आप लोग बच्चों को मैंने पहले भी बताया था कि बीएसएससी से संबंधित मैंने मुद्दा उठाया था और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा माननीय सचिव और अध्यक्ष बीएसएससी से मैंने रिक्वेस्ट किया था, जिसके जवाब में प्रतिफल मिला आपको प्रभात खबर में। आपको एक स्पष्ट रूप से हम बता दें कि लॉकडाउन की अवधि 31 बाद 5 जून तक बढ़ सकती है, बढ़ेगी, और जून के अंदर ही अगर 5 जून के पश्चात लॉकडाउन की अवधि नहीं बढ़ती है तो वैसी परिस्थिति में आपको जून के अंतर्गत ही आपके टाइपिंग और शॉर्ट हैंड तथा दौड़ से संबंधित सूचनाएं को दौड़ संबंधित जो क्रियाकलाप है उसको संचालित करेगी आयोग। लेकिन एक बात सबसे बड़ी विडंबना यह है कि सरकार हो तब, चाहे किसी की सरकार हो, चाहे आपको आयोग हो, अध्यक्ष चाहे कोई हो, चाहे वो रईस जादे हो जो जेल की हवा काट रहे हो, चाहे कोई हो, आज बिहार ने रिकॉर्ड ब्रेक करवा दिया है इस मामले में कि इंटर स्तरीय परीक्षा 8 साल 7 साल 8 साल में भी पूरा नहीं हुआ है। आखिर क्यों, क्या चाहती है सरकार की? यहां पर वही फिरौन वाली घटना को घटाया जाए कि फिरौन कहता था कि फिरौन ने अपने मंत्री से कहा था कि ए मंत्री कुछ ऐसा करो साम्राज्य में, कुछ ऐसा करो कि सारे की सारी जनता हमको अल्लाह मानने के लिए मजबूर हो जाए। तो मंत्री ने कहा कि हुजूर बहुत आसान बात है, आप जितने भी स्कूल कॉलेज विद्यालय पाठशाला मदरसा सब पर रोलर चला दीजिए, जितने पढ़े लिखे हुए विद्वान लोग हैं सबकी हत्या करवा दीजिए, जो जाहिलों की ऐसी कौम पैदा होगी जो आपको अल्लाह मानना शुरू कर देगी। तो क्या माननीय मुख्यमंत्री या आयोग यही समझकर 8 साल तक ये बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है? कितने बच्चों की शादी हो गई, कितने बच्चों की शादी हो गई, कितने 47-48 साल के हो गए? 47-48 साल के बच्चों का अगर फिजिकल कराया जाए तो क्या फिजिकल हो जाएगा? क्या बिहार सरकार या बिहार सरकार के पक्ष या विपक्ष कोई भी आपको विधायक या मंत्री हो क्या एक चक्कर भी दौड़ पाएंगे? ये बच्चों के साथ इंसाफ बंद किया जाए ना, इंसाफी बंद किया जाए बच्चों के साथ, ना इंसाफी बंद किया जाए। और जो भी हो 5 जून तक अगर आपका लॉकडाउन लग रहा है तो ऐसी परिस्थिति में अविलंब इनके टाइपिंग और शॉर्ट हैंड से संबंधित क्रियाकलाप और फिजिकल संबंधित क्रियाकलाप को जितना जल्दी हो सके उसको संपन्न किया जाए। यह निश्चित रूप है, यह तय है कि जो जितने भी लोगों से बात हुई है, अधिकारियों से बात करने के पश्चात सबका यही जवाब है कि जुलाई से पहले संभव नहीं है। तो जुलाई में ही सही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय अध्यक्ष बीएसएससी तथा सचिव बीएसएससी, आपसे नम्र निवेदन है कि 7-8 साल बच्चे इंतजार कर सकते हैं, तो कम से कम जुलाई को आगे क्रॉस मत करिए। बच्चे मानसिक तनाव से ग्रसित हैं, कोरोना ने अलग परेशान कर रखा है, आपके रिजल्ट ने अलग परेशान कर रखा है, और 47-48 साल के बच्चे जिनका इंटर स्तरीय लास्ट परीक्षा था और वैसी परिस्थिति में वे पूरी तरह से पागल टाइप हो गए हैं, तो आप सरकार का दायित्व बनता है, आयोग का दायित्व बनता है कि इनकी समस्या का निराकरण करे और जून में इनकी प्रक्रिया प्रारंभ करे और जुलाई के प्रथम वीक में जैसा कि आप कह रहे हैं इनका रिजल्ट दे, ताकि ये लंबे समय से इंतजार करने के पश्चात इनको इंसाफ मिल सके। हर लोकतांत्रिक देश में हर लोग का यह कर्तव्य होता है, अधिकार होता है कि वो अपने सरकार से अपने आवाज की सरकार के सामने अपनी आवाज उठाए और अपने हक की आवाज को हक की आवाज के लिए लड़े, और ये बच्चे हक की आवाज के लिए लड़ रहे हैं। बहुतों की बाल बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं जो स्कूल की परिस्थिति 8-9-10 में चले गए हैं, बहुत बेचारे इसी चक्कर में शादी नहीं किए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इतना बड़ा तनाव किस सजा की? खेत खाए गधा और मार खाए जो रहा वाला सिस्टम कर रहे हैं आप जैसे कि चुट्टों ने क्वेश्चन आउट कराया और उसकी सजा बेचारे मासूम बच्चों पर आप कर रहे हैं, 7 साल 8 साल में एग्जाम होता है, ये तो जीके में पूछने वाला क्वेश्चन हो गया। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तथा अध्यक्ष बीएसएससी और सचिव बीएसएससी से नम्र निवेदन है कि जुलाई के प्रथम सप्ताह के बाद अगर बच्चों के साथ इंटर स्तरीय परीक्षा का पूरा कार्यक्रम क्लियर नहीं हुआ तो ऐसी परिस्थिति में बच्चे एकजुट होंगे, जाति पार्टी धर्म बैकवर्ड भारत SC ST हिंदू मुस्लिम की दीवार को तोड़कर और आवाज उठाएंगे, बोर्ड से लेकर रोड तक जाएंगे, देखते हैं कि आपकी हाजत कितनी बड़ी है कि आप इन मासूम बच्चों को जो कि पेट के लिए जिन्होंने अपनी आवाज उठाई और 8 साल से आवाज उठा रहे हैं उनके साथ जो नाइंसाफी हो रही है, अगर बंद करना है
तो खोल के रखिएगा अपने जेल के दरवाजे को, अगर औकात है तो। अगर जेल के दरवाजे को खोल के रखिएगा, ये बच्चे अपने हक के लिए आगे आएंगे और गुरु रहमान में उनके साथ जाएगा, क्योंकि आठ साल तक कोई भी परीक्षा आज तक नहीं हुआ था जिसका बीएसएससी और सरकार ने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। धन्य है प्रभु आप लोग, आप निश्चित रूप से 5 जून तक लॉकडाउन बढ़ रहा है ये मुझे पता है, लेकिन उसके बाद जून में ही इनके टाइपिंग को, शॉर्ट हैंड को, फिजिकल संबंधित प्रक्रिया को समाप्त कीजिए और फर्स्ट वीक जुलाई में इनका रिजल्ट दीजिए, अन्यथा ये असंतोष एक क्रांति का रूप धारण करेगी। और जब क्रांति का रूप धारण करती है तो 1974 का जन्मा व्यक्ति इसी कांग्रेस मैदान के पास से आवाज उठा रहा है कि छात्र आंदोलन अगर हुई तो संभलना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हो जाइए तैयार, जुलाई के प्रथम सप्ताह तक बच्चों का रिजल्ट दीजिए। बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। इसी के साथ मैं गुरु रहमान ले रहे प्रेम, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। क्या क्वेश्चन है? बीएसएससी सीजीएल बेटा इसका रिजल्ट जुलाई तक किसी हालत में ले लें, और उसके बाद बीएससी सीजीएल आपको अगस्त तक सारी की सारी वैकेंसी आ जाएगी। टाइपिंग जून में हो जाएगा, टाइपिंग और शॉर्ट हैंड तो फिजिकल, उसी के लिए आवाज उठा रहे हैं, वो जून में हो जाएगा। जब जब आपकी जरूरत पड़ेगी, जब जब आपको जरूरत पड़ेगी, गुरु रहमान आपके साथ था, है और रहेगा, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। जो भी मिलेगा तुम लोग की कामयाबी के रूप में मुझे मिल